वेलकम बैक। मैं नंदू कुमार, क्लास 12 वीडियो लेक्चर 5 में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग ने काफी कुछ सीखा हुआ था, गुडविल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें काफी कुछ मैंने आपको बताया हुआ था और मैंने HW भी आप लोगों को होमवर्क भी दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 और 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बन गया होगा। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 5 में इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे मैं आप लोग के बीच में जानकारी साझा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग बिल्कुल ध्यान बनाए रखें और जिन बच्चों से बन गया होगा वो मिला दे। तो और एक आवश्यक सूचना मैं ये कहूंगा, आप वीडियो लेक्चर की क्वालिटी को बढ़ाएं, 144p पे ना देखें, 360p पे देखें और A to Z कॉपी कलम लेके बैठे। जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज आप लोगों को दिया हुआ हूँ, MN कॉमर्स क्लास के साइट के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आप सारा चीज सर्च करेंगे, आपको टोटल चीज मिल जाएगा जितना मैंने आपको शुरू से पढ़ाया है। तो अब जो मैं आपको के बीच में जो चर्चा करूंगा, तो मैं ये बता दिया हूँ, वीडियो लेक्चर पूरा देखिएगा, A to Z देखिएगा, एक बार नहीं आप 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आएगा बिल्कुल। और उसके बावजूद आपको प्रॉब्लम करता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाए और कॉमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कॉमेंट करें, या व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे वो क्वेश्चन भेजें, प्रॉब्लम डॉट क्वेश्चन जो भी है आप मुझे भेज दें, तो उससे मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोग थ्योरी पेपर में बात किया हुआ था, जो आपको को मैंने बताया हुआ था, बहुत ही मजेदार कैरेक्टर्स ऑफ गुडविल, जो फीचर के बारे में मैंने बात किया था, नीड ऑफ गुडविल, इसके बारे में मैंने बात किया था, गुडविल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ख्याति की जरूरत मुझे क्यों पड़ती है, तो ये बात को मैंने जानकारी दिया हुआ था, बहुत मजेदार पॉइंट था। तो उसमें जो दोस्त मेरे दोस्त मैं जो उसमें जो बात किया हुआ था वो ये पॉइंट था कि गुडविल ख्याति में भी हमें टू पार्टनर्स एडमिटेड इंक्लूडिंग ऑफ द टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स के द्वारा ही हमारा ख्याति क्या होगा, काम करेगा, और जब काम करेगा तो हमको वहां पे क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट के द्वारा काम करेंगे और गुडविल मैं कमाऊंगा, ये मैंने बताया हुआ था। तो उसमें क्या होना चाहिए, एडमिट होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए, डेथ होना चाहिए, रिटायर होना चाहिए, मैंने सारा गुडविल में बताया था। आप पिछले वीडियो लेक्चर 2-3 देख रहे हैं, खोल के देख रहे हैं, तो A to Z आपको थ्योरी मिलेगा। हाँ, और जब अभी मैं PDF जारी किया हूं तो काफी बच्चों ये भी मुझे कमेंट करते हैं कि सर उसमें आंसर नहीं है, और दूसरी बात भैया आंसर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैंने पूरे सारा चैप्टर पढ़ा दिया है, और ये चैप्टर में जो भी मैंने ये चैप्टर में क्वेश्चन मैंने बताया, सारा क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन दिया, A to Z थ्योरी मैंने दिया है, तब क्यों नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, तो आप जो है वीडियो लेक्चर को देखें, उसमें A to Z फॉर्मूला दिए हैं, आप चेक करें, आपको उसको पूरे मेंशन मिलेगा। तो ये काम आप करें तो आपको PDF मिलेगा, सॉरी PDF का सोल्यूशन मिलेगा, और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके लिए फिर PDF का सोल्यूशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो सोचेंगे कि सर PDF का सोल्यूशन करेंगे, जी नहीं, मैं आपके अनुकूल नहीं करूंगा, मैं अपने अनुकूल करूंगा, मैं करूंगा, अवश्य करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, ये हम चैप्टर के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए क्या चीज पे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब कि औसत लाभ भी दिन पे,
कम मजा आएगा बनाने में। थ्री इयर्स आप देखें, थ्री इयर्स का मेरा दे दिया अमाउंट, मैंने क्या होगा किसी भी क्वेश्चन में यदि फाइव ईयर का अगर ग्रेट प्रॉफिट निकल जाए तो फाइव ईयर करेगा, थ्री ईयर का अगर थ्री ईयर करेगा, फोर ईयर करेगा फोर ईयर का अमाउंट देगा, मतलब जितना ईयर आपसे पूछा जाए इस चीज को मेंशन करेगा। तो फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 15,000, थर्ड ईयर कितना है 30,000। अब ये स्पेक्ट्रम ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ठीक है। सेकेंड ईयर इंक्लूडेड, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर नहीं, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर को छोड़ करके सेकेंड ईयर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ने स्टडी 10,000। और जब हम कोई भी संपत्ति को बेचेंगे तो आप मुझे बताइए प्लस करेंगे कभी नहीं करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हम यहां पर जो करेंगे वो मजा आएगा माइनस करके देखते थे। अब तो मैंने क्या किया, मशीन को मैंने बेचा तो मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, पहले से मेरे पास कितना था 15,000 था, ठीक है ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म ऑन सी एडमिशन। अब देख लीजिए हमको फाइंड द वैल्यू गुडविल का निकालना है, मैंने निकालूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब देख लीजिए प्रॉफिट, अब मुझे क्या करना है प्रॉफिट निकालना है तीनों ईयर का, तो मैं रख दिया। अब देख लेंगे यहां पे मैंने अमाउंट का कॉलम मैं रख देता हूं, ठीक है ठीक है। अब हो गया अब प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, ईयर कितना है 10,000 है 10,000 या यहां नहीं और सटा के रखें ताकि काम करने में आसान, 10,000 हो गया। आप भैया देख लें यहां पे ध्यान देंगे सेकेंड ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट जी बिल्कुल भैया, तो कितना भैया 15,000। अब देख लीजिए भैया कैसे समझेंगे, तो सेकेंड ईयर में मेरे पास कितना था 15,000 और मैंने बेचा कितना में मशीन, भैया क्या चीज का व्यापारी हो रहा है मशीनरी का, मशीनरी का मतलब मशीन का 10,000 माइनस कर देंगे भैया जी बिल्कुल यहाँ पे। अब कितना आ जाएगा 5,000, ये अपना प्रैक्टिस बनाए ताकि कैलकुलेशन में आपका फास्ट रहे। और प्रॉफिट, अब प्रॉफिट भैया कितना है, अब देखेंगे लास्ट ईयर का थर्ड ईयर का कितना है, तो मुझे मिल गया 30,000 कितना हो गया 45,000 हो गया टोटल प्रॉफिट लास्ट थ्री इयर्स, थ्री इयर्स का मेरा क्या निकला है टोटल प्रॉफिट। अब मुझे यहां पे क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालें, निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट, फॉर्मूला नोट करेंगे टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है ना जी बिल्कुल सर ठीक है। अब कितना का 45,000 बाय कितना इयर्स 1, 2, 3 इयर्स, थ्री इयर्स काट देंगे कितना निकलेगा 15,000, ये क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना निकला है 15,000। अब मुझे क्या निकालना है भैया, तो यहां पर ध्यान देंगे आप गुडविल निकालना है ना जी बिल्कुल, अब ताकि यहां पे आप समझ जाएं गुडविल। अब गुडविल बराबर क्या होता भैया एवरेज प्रॉफिट गुडविल, आप देख रहे हैं गुडविल पहले कितना ईयर का मुझे पूछ रहा है, गुडविल है 2 इयर्स पर चेक, गुडविल है 2 इयर्स परचेज हो गया जी बिल्कुल हो गया सर परचेज। अब तो क्या होगा गुडविल, तो आप देख लीजिए गुडविल है 2 इयर्स परचेज बराबर, परचेज बराबर मैं नीचे से लिख देता हूं फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट गुने गुने नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखिए सर यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए गुडविल बराबर गुडविल है 2 इयर्स परचेज, तो गुडविल है 2 इयर्स परचेज का जो मैंने काम किया है तो कितना ईयर 2 इयर पे एवरेज प्रॉफिट
गुने नंबर ऑफ ईयर्स, ये मेरा आप देख लिए एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स पर चेंज, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एवरेज प्रॉफिट में कितना था, 15,000 मैं रख दिया, 15,000 ध्यान दीजिएगा इनटू कितना ईयर्स, टू ईयर्स आप देख लेंगे कितना है 30,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो गुडविल बराबर है 30,000, ठीक है। तो गुडविल बराबर भी निकल गया, एवरेज प्रॉफिट बराबर भी निकल गया। ये हमारा आज का ये 5 नंबर क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको मेंशन करें। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 को देखा है। अब जो हम लोग का टॉपिक होगा वो आप लोग इस टॉपिक को जो देखेंगे काफी ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप देखे तो सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक पूछा गया था, इस कारण मैंने इसको आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और इस पर जो मैं क्वेश्चन जो बताऊंगा वो क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे तो इसी टॉपिक पे बन जाएगा। हमारा है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। अब लिख लीजिए मुझे यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ और एक्चुअल प्रॉफिट जो मुझे निकालना है। मेरा भविष्य का लाभ क्या है, मेरा भविष्य में कंपनी का प्रॉफिट क्या है, इन सब बातों को समायोजित एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब सभी को लाभ में समायोजित अधिग्रहण करने की क्रिया में जो भी हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, फ्यूचर का एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा वो ऐड होगा, और जो भी एबनॉर्मल लॉस गेन हमारा होगा वो क्या होगा, रेस होगा। क्या होगा, तो सर लेस होगा। लेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस का जो हम लोग काम करते हैं जो एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो इसमें इस बात की अपेक्षा होती है कि हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल सामान्य लाभ जो है हम लोग का ऐड होता है। और ऑलरेडी क्योंकि ये डेबिटेड अंदर पीएल अकाउंट को काम कर रहे, तो ये क्या होगा ऐड होगा नॉर्मल लॉस। और यदि अब हम इस लोग को काम जो करेंगे, ये काम में हम लोग इस बात को ध्यान में रखना होगा कि डेबिटेड और क्रेडिटेड का, डेबिटर और क्रेडिटर का। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मेंटेनर प्रॉफिट। अब देखिए नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हो गया सामान्य लाभ का जो हम लोग मेंटेन करते हैं, जो हम लोग उस मेंटेन के तहत जो उसका सामान्य लाभ देते हैं, जो हम लोग को मिलता है किसी फॉर्म या किसी कंपनी के थ्रू, तो उस काम को हम लोग को यहाँ पे दर्शाना है। तो चलिए हम लोग क्या होगा, पार्टिकुलर्स ये जो कॉलम बनेगा ये अमाउंट का साइन और अमाउंट का, जो आप लोग का जो करते हैं काम, जो कैश डिपोजिटेड का जो हम लोग का काम होगा उसको जो हम जमा करेंगे डीआर और सीआर, तो डीआर और सीआर का काम यहाँ पे है। तो चलिए आप ध्यान दें, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान लाभ, वर्ष के नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान जो कुल हमारा लाभ है वो कितना है, ये हम लोग को बताना है। तो वर्ष के दौरान हम लोग का लाभ वो कहां इंडिकेट होगा, डीआर में ना होकर कहां होगा, तो हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे जो हम लोग का ड्यूरिंग द प्रॉफिट जो हमारा वर्ष भर के दौरान जो लाभ होगा उस लाभ को हम लोग को क्या करना है, जबकि डी आर अमाउंट में ना जा करके सी आर अमाउंट में हम लोग को रखना है। बात समझिए, ये हम लोग का था फर्स्ट स्टेप का पहलू। अब देखिए इसमें ऐड क्या करना है, तो ऐड जो हम लोग ऐड का मतलब जोड़ना है, स्टेप वन क्या है, एब नॉर्मल लॉस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इफ द सेम ऑलरेडी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। देख लीजिए हम लोग नॉर्मल लॉस में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो भी एक्सपेंसेस खर्च है उसको हम लोग को सेम ऑलरेडी कहां क्या करना है, डेबिटेड करना है, और वो किसके अंतर्गत, पीएल अकाउंट के अंतर्गत। तो पीएल अकाउंट के अंतर्गत तो जो ऐड होगा, सुनते रहिएगा फिर से मजेदार बात है ये टॉपिक पे, जो ऐड होगा वो क्या होगा हम लोग का कहां जाएगा, सीआर में, डीआर में नहीं जाएगा। फिर से समझिए, जो ऐड होगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं ऐड होने पे उसको प्लस करते हैं, जी नहीं, ऐड होने पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज में, ऐड में इनकम जो होगा हम लोग का वो क्या चीज में होगा,
डीआर में ना होकर के डीआर में नहीं होगा, अब नो क्या चीज में होगा सी आर यस। अब ये काम कहां होगा सी आर, मतलब क्या क्रेडिट साइन में डी आर नो, मतलब डी आर में नहीं होगा। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो अब ये पॉइंट को हम लोग ने जान चुका है, अब हम लोग का यहां पे क्या है एड का काम हो रहा है, तो यहां पे जो हम लोग का अमाउंट जो साइन जाएगा वो सी आर पे जाएगा। तो अब है पॉइंट सेकेंड हम लोग का क्या है एक्स, हाँ आप देखिए पॉइंट सेकेंड जो है एक्सपेक्टेड इनकम इफ नॉट ये कॉन्स्टेंट। अब ये जो हमारा जो है जितना भी इनकम हमारे जितना भी हम लोग का इनकम जो वर्ष भर के दौरान जो हम लोग का पास में आता है, जो नेट प्रॉफिट ईयर से संबंधित हो, जो वर्ष के शुरुआती दौर से संबंधित हो और वर्ष के अंत तक चलता हुआ रहे। फॉर एग्जाम्पल में क्या होता है कोई भी खाता जनवरी 1 से शुरू होता है 31 दिसंबर तक चलता है, जी बिल्कुल सर। और यदि कोई खाता मार्च 1 से शुरू होता है तो कब क्लोज होता है 31 मार्च तक होता है, जी बिल्कुल। ये दो बातें को इसमें ध्यान में रखना होगा, इसका क्या नहीं होगा नौ के कंसीडरेशन, ये इनकम एक्सपेक्टेड जो हो रहा है हमारा उसका काम नहीं होगा। तो ये जो काम जो दिया रहेगा तो ये रेस में ना हो करके हम लोग का नॉट लग गया, नॉट का मतलब नहीं, तो नहीं जब ये लगा तो ये ऐड होगा, और यहां पे यस रहता नॉट नहीं रहता एक ये कंसीडरेशन ये सिर्फ रहता तो हम लोग क्या करते इसको रेस में करते। लेकिन यहां पे नहीं का काम हो रहा है, हम लोग का अमाउंट का क्या होगा इनकम जो है नॉट एक कंसीडरेशन का काम जो है तो उसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, और जब ये ऐड करेंगे तो उसका अमाउंट कहां होगा डी आर में ना होकर के सी आर भी हो जाएगा, मतलब क्या क्रेडिट साइड। तो ये पॉइंट था, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहां तक तो हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें ऐड का हम लोग का जो नेट प्रॉफिट जो वर्ष का कुल लाभ है उसमें दो काम ही बताया गया, यहां पे दो काम है, जो दो काम में एक एबनॉर्मल लॉस का है और एक जो हम लोग का इनकम के बारे में बताया गया है, जो एक्सपेक्टेड इनकम जो हम लोग का जो हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये बात यहाँ पे फॉलो हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग द ईयर एबनॉर्मल लॉस जो ऐड किए हैं एक्सपेक्टेड इनकम जो हम लोग का है वो तीनों को क्या करते हैं हम लोग तो प्लस कर देते हैं, प्लस मतलब ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या होता है इसको क्रेडिट साइड में ही रखेंगे, डेबिट साइड में नहीं रखेंगे, क्योंकि जो ये जो हम ऐड कर रहे हैं कहां हो गए हम लोग का क्रेडिट साइड में, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट के साइड में हम इसका काम करेंगे अभी यहीं पे रखेंगे। अभी तक तो हम लोग ने ऐड का काम किया, लेकिन अब जो काम करेंगे वो क्या होगा सबसे बड़ा काम होगा वो है रेस। आपने पहले थे बोधमास क्रिया, बोधमास क्रिया के सबसे अंत में होता था हम लोग का रेस का प्रक्रिया, ना कि ऐड का प्रक्रिया। कोई बच्चे को बहुत बच्चे ऐसे हम देखते हैं कि मैथ का वो कैलकुलेशन भी तो करते हैं तो क्या करते हैं कभी कभी मल्टीप्लाई उसके पास आ जाता है और रेस का काम हो जाता है और ऐड का काम हो जाता है, डिवाइड जो दिया हुआ होता है तो क्या करता है कि वहां पे सारा काम करने के बाद ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या बोला डिवाइडेशन भी कर देता है मल्टीप्लाई भी कर देता है। उसके बाद तो देखते हैं वो काम जो है कभी कभी बहुत काफी बच्चे के देखते हैं रेस का काम करके तब लास्ट में वो ऐड का काम कर देता है क्योंकि वो ब्रैकेट में रहता है तो वहां पर वो फंसते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए वी फॉर ब्रैकेट का जो आप लोग काम पाए होंगे सबसे अंत में आप लोगों का काम जो होता था वो है रेस का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अकाउंट एक जो है साइंस एंड आर्ट दोनों है जो क्लासिफिक है, रिकॉर्डिंग का ये सारा काम करता है, जो भी हम लोग का रिकॉर्ड होता है वो हम लोग का सारा वित्त इसमें काम बताया जाता है। तो क्या है अब हम लोग का ये पॉइंट नंबर थर्ड हम लोग का है देख लीजिए रेस में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स और एबनॉर्मल गेन्स और प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। भैया बहुत मजेदार सुन लीजिए ये एबनॉर्मल लॉस आपके पास दो बार आएगा, इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दो बार आएगा, एक बार एबनॉर्मल लॉस एड को शो करेगा तो एड में जो होगा वो डेबिटेड का नाम पुट होगा, सुन लीजिए एक बार जो होगा एड में होगा तो एड में डेबिटेड का नाम
सबसे पहले वो पीएम दोनों में जोड़ेगा, किसे सुनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में जोड़ेगा, एड में भी जोड़ेगा और रेस में भी जोड़ेगा। तो एड में जो जोड़ेगा तो मैंने क्या बोला, उसमें डेबिटेड का नाम बताएगा, इंडिकेटर देनदार, क्रेडिटेड देनदार। तो यहां पे देनदार की जो बात बताएगा तो वह एड में बताएगा, और क्रेडिटेड या क्रेडिटर वो क्या हो गया, देनदार। तो सुन लीजिए, यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन और नॉर्मल गेन प्रॉफिट क्रेडिट टू पीएल अकाउंट, मैंने क्या कहा गेन किया है, और गेन किया तो क्या चीज में, अबनॉर्मल गेन में, मतलब क्या अबनॉर्मल लॉस हो हम लोग का, और उसपे क्या हुआ डेबिटेड नहीं हुआ, देनदार को नहीं कर रहा है, देनदार को कर रहा है, क्रेडिटेड कर रहा है। तो ये अमाउंट जो क्रेडिटेड हो रहा है उसको डेबिट के कॉलम में रखना है, और जो एड हो रहा है डेबिटेड हो रहा है उसका जो काम होगा उसका अमाउंट वो कहां रखना है, क्रेडिट में रखना है, डेबिट में नहीं रखना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे था। तो मैंने क्या किया, यहां पर क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट है अबनॉर्मल लॉस में, इसका अमाउंट कहां होगा डीआर में, क्यों, क्योंकि ये रेस हो रहा था। तो पॉइंट नंबर थर्ड हम लोग का हो चुका है, पॉइंट नंबर फोर पे आप लोग आएंगे। रेस फोर, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, हाँ दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देख लीजिए, नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार, नॉन का मतलब गैर व्यापारी, जिसको कहते हैं नॉन ट्रेडिंग कहते हैं, जिसको गैर व्यापार कहते हैं आप, तो वो कहते हैं उसका इनकम जो उसका आय जो होता है, वो आय एक संपत्ति एक एसेट को क्या किया नॉन ट्रेडिंग के तहत उसको किया, और दैट इज हम इसमें क्या सब ले आते हैं, क्या सब इसमें काम होता है। अब जो मैं यहां पे जो काम कर रहा हूं वो सुनिएगा, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज, और ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, विनियोग जो करते हैं, विनियोजन जो करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो करते हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट विनियोजन जो आप लोग का काम जो होता है तो क्या होता है, तो सुनते जाइए, हम लोग का जब भी नॉन ट्रेडिंग एसेट्स को शो करेगा और उसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो ये बात को हम लोग को दिमाग में बैठा लेना है कि हम लोग को एड ना होकर के रेस होगा, और रेस होगा तो इसका अमाउंट क्रेडिट में ना जा करके कहां होगा डेबिट में होगा, मतलब क्या डीआर को शो करेगा, क्योंकि रेस हो रहा है। इसमें क्या दो आइटम आए हैं, इंटरेस्ट आए, इन्वेस्टमेंट आए हैं। तो इस बात को आप माइंड में मेकअप कर लेंगे। अब स्टेप हम लोग का फाइव होगा, स्टेप फाइव क्या होगा ये देखना है हम लोगों को। स्टेप फाइव में नॉर्मल एक्सपेंसेस, सामान्य खर्चा, नॉर्मल का मतलब सामान्य, एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया खर्चा। नॉर्मल एक्सपेंसेस में हम लोग क्या है, छोटा सा हम लोग का देख लीजिए, हम रखे जो आपको समझने के लिए, इफ नॉट कंसीडर्ड अर्लियर सच ए डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डीडी, डीडी का मतलब क्या होता है डाउटफुल डेट्स, आप ये समझिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कहीं पे आता है प्रोविजन फॉर डीडी, तो प्रोविजन फॉर डीडी का मतलब ये डाउटफुल डेट्स, ये आपको संदिग्ध ऋण जिसको आप कहते हैं वो जब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो नॉर्मल एक्सपेंसेस को शो करता हुआ है जिसका काम नहीं होने पर, और ये सच डिप्रिसिएशन के तहत वो क्या करता है एक प्रोविजन डीडी को तैयार करता है, और जो तैयार करता है तो नॉर्मल एक्सपेंसेस का काम जो हम लोग का खर्चा हो रहा है तो वो कहां जाएगा डीआर में, क्योंकि सीआर में नहीं जाएगा, इधर हो जाएगा नो, इधर हो जाएगा यस। ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट को आप लोग फॉलो करेंगे अभी। तो पॉइंट नंबर हम लोग का फाइव हो चुका है, इसमें नॉर्मल एक्सपेंसेस का हम लोग ने बात किया, और नॉर्मल एक्सपेंसेस का जो सामान्य खर्चे में घर में बहुत ज्यादा कुछ आते हैं, जैसे मैं बता दूं आप मिल्क आप खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, ये सब सारा क्या हो गया नॉर्मल एक्सपेंसेस, सामान्य खर्चे जो घर में हो रहे हैं। तो इन सब बातों को हम लोग ने यहाँ पे क्या किया चर्चा विषय बनाया है। तो अब पॉइंट नंबर सिक्स हम लोग का होगा, ध्यान देंगे आपको, प्रोप्राइटर्स, आप देख लीजिए प्रोप्राइटर्स पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। अब देख लीजिए पार्टनर का जो है, पार्टनर किसी भी साझेदार का जो प्रोप्राइटर होता है वो एक सामान्य के तहत वो काम करता है, और सामान्य तहत जो काम करता है तो वो लोग क्या होते हैं,
जो प्रोपराइटर शिप करता है तो क्या होगा हमारा रेस होगा, और जब रेस होगा तो हम लोग इसका काम कहां करते हैं क्या करते हैं, तो आप यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, तो इसका काम हम लोग डीआर में करते हैं जबकि सीआर में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रोपराइटर्स और पार्टनर्स रहेगा, प्रोपराइटर्स वो कंपनी का फॉर्म का उसका एचओ माना जाता है जो आपको विज्ञापन से जो सारा काम को एडवर्टाइजिंग रूप में करता है, वो प्रोप्राइटरशिप के द्वारा जो पार्टनर साझेदार दो या तीन या चार हो वो उस फर्म के तहत काम करेगा। ये बात को समझना हो, ये प्रोप्राइटर पार्टनर ने ये जो भी नहीं कि एक ही पार्टनर आएगा वहां पे, दो पार्टनर तीन पार्टनर पांच पार्टनर जो भी आपके पास आएगा। तो पॉइंट नंबर लास्ट हम लोग करेंगे सेवन पॉइंट नॉट करेंगे, इनकम गेन नॉट टू राइज इन फ्यूचर भविष्य का थॉट ऑलरेडी कॉन्स्ट्रेड। अब यहां पे हम लोग का ये पॉइंट रहा कि हम लोग का इनकम जो होता है, लाभ जो होता है और गेन जो होता है नॉट टू अराइज, इसका फ्यूचर जो होगा एक भविष्य होगा वो किस प्रकार से ऑलरेडी ये शो करेगा, किस कंसिडरेशन के तहत भविष्य की लाभ और हानि की अपेक्षा जो करेगा वो किस आधार पे करेगा, जो वो करेगा मतलब सारा इनकम और गेन को राइज करेगा तो उसका काम कहां होगा, डीआर में होगा जबकि सीआर में नहीं होगा। कहां होगा? डेबिट में होगा, क्रेडिट में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रेस हो रहा है। क्योंकि रेस में आपके पास दो बातें होगा, कभी कभी आपको इनकम भी दे देगा प्रॉफिट, और कभी कभी आपको गेन भी दे देगा मतलब हानि के बारे में बता देगा, तो जिसका नॉट लग गया नहीं तो ये रहेगा, तो आपको क्या करेंगे डीआर में और सीआर में नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे, अब देख लेंगे सीआर को भी जोड़ेंगे डीआर को भी जोड़ेंगे, अब देखेंगे दोनों साइड हमारा किधर ज्यादा है। यदि डीआर ज्यादा रहेगा तो दोनों साइड, जैसे डीआर में मान के चले 5000 आ जाता है तो इधर हमको 3500 आता है, इधर 5000 आता है और जब 3500 आता है तो हम किधर क्या लिखेंगे, तो ये बात को ध्यान आप ध्यान देंगे, हम दोनों साइड लिखेंगे कि वेदी साइड ज्यादा आया तो हमने दोनों साइड लिखा था, लिख दिया लिख दिया। अब जो देख लीजिए यहाँ पे कितना है 3500 जी बिल्कुल सर, अब हम क्या करेंगे घटाएंगे इसमें से, घटाने के बावजूद आप मुझे बताइए यहाँ पे कितना आएगा 1500। अब जो 1500 जो होगा ये हमारा क्या होगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट और मेंटेन, अब ये मेंटेनेबल प्रॉफिट और एडजस्टेड प्रॉफिट जो हम लोग का समायोजित की गई, ये ख्याति का जो काम था वो ख्याति का काम हम लोग ने ये फॉर्मेट के अंतर्गत किया है। ये फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट है, इतने मजेदार ये टॉपिक है, जो ये टॉपिक को करने के बावजूद ये देखिएगा सीपीटी फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन में भी देखिएगा इस टाइप का काफी आपको मिलेगा जो गुडविल चैप्टर, क्योंकि पीपी गोगिना मर्चेंट लॉ का जो बुक पढ़िएगा तो उसमें सारा चीज आपको मिलेगा, एडजस्टेड मिलेगा। तो ये चीज आपको इसमें कुछ हालांकि मायने नया नहीं, आपको जो आपके बुक में था उसमें कुछ और इंक्लूडिंग ऐसा कुछ मजेदार पॉइंट जो लेके आया हूं, और जो लेके आया हूं तो आपको मैंने ये सारे चीज मैंने डिटेल में बताया। अब आपका काम है कि वीडियो लेक्चर को रोक करके पूरा देखिएगा और आप उसको ए टू जेड कॉपी में मेंशन कीजिएगा, तब आप इसको नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग ने फॉर्मेट का जानकारी ले लिया, अब जो हम लोग इसके तहत जो फार्मूला है हम लोग का, वो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हम लोग ले फार्मूला हम लोग जानना बहुत इंपोर्टेंट होता है, बहुत मजेदार टॉपिक होता है जिसको हम लोग समझना पड़ता है हम लोग को, ये जानकारी हम लोग के पास नहीं है तो समझिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो ये जानकारी आप लोग को रखना होगा, टोटल एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बराबर, तो टोटल एडजस्टेड आप देखिए टोटल एवरेज, एवरेज का मतलब औसत, एडजस्टेड समायोजित कर रहे हैं प्रॉफिट लाभ, ये जो हम लोग का औसत जो समायोजित लाभ का जो काम कर रहे हैं तो उसमें क्या फार्मूला होता है, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बटा बाय जिसको बाय करते हैं बाय नंबर ऑफ इयर्स, जो हमारा
उन वर्षों की संख्या होती है वो होता है बाइनिंग। अब देख लीजिए इसका हिंदी। अब कुल औसत समायोजित लाभ बराबर, तो क्या हो जाएगा, कुल समायोजित लाभ बाय कुल वर्षों की संख्या, ये आपका हो गया हिंदी में जो मैंने कहा आपको इंग्लिश में मैंने नोटेट कर दिया। क्या टोटल एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट और टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बता नंबर ऑफ इयर्स। अब गुडविल बराबर, तो गुडविल का ख्याति होता है, तो गुडविल बराबर क्या हम लोग क्या निकाले यहाँ पे देख लेंगे। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे ध्यान देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हम लोग का पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट ये सबसे लास्ट में हम लोग अंतिम में निकालते हैं, तो ये आप लोगों को मेंशन करना है। गुडविल बराबर ये क्या हो जाएगा, औसत समायोजित लाभ गुने कुल वर्षों की संख्या, तो ये आप लोग को हो गया। तो वर्षों की संख्या, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब जो हम लोग ये सारा फॉर्मूला को देख लिए, अब हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखने वाले हैं जो इस फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे और इस फॉर्मूला पे ही हम लोग का ये सारा काम होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, चलिए बढ़े। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट, ये सारा का बात क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट थ्री इयर्स वेयर एज फ्लो, तीन ईयर का मुझे यहाँ पे काम करना है। अब देख लीजिए 2013 क्या है, 40,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000, इसमें एबनॉर्मल लॉस का हम लोग का काम क्या हुआ है, ये 5,000 इसमें इंक्लूड किया है जो आ गया है। अब 2014 पे आ जाइए, 50,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, यहाँ पे क्या क्या दिया है, एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग ये बाद का चार्ज किया गया है। अब 2015 को आ जाइए, क्या है 45,000 एक्सप्लोरिंग अब 5,000 है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फार्म प्रॉपर्टी नॉ टू बी इंश्योर्ड। अब देख लीजिए हम लोग का क्या हुआ कि यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का जो काम हम लोग को कब करना पड़ा 2015 में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको कर देते हैं काम यहाँ पे कर दे अमाउंट प्रॉफिट। अब किस ईयर का हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट फॉर 2013, अब कितना है 40,000, ठीक है सर। अब मैंने क्या कहा था इंक्लूडिंग में क्या होगा, रेस का काम होगा। अब कितना 5,000 इंक्लूडिंग, जब ये उल्टा काम करना है, जब ये इंक्लूडिंग तो यहां पे माइनस, और जब भैया इंक्लूडिंग नहीं इसमें रहेगा आप चार्जिंग का बात करेगा तब बताएंगे प्लस, तो ये काम हो गया। अब हम लोग कितना आ गया 35,000, ठीक है ठीक है। अब प्रॉफिट फॉर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट फॉर 2014, अब यहाँ पे क्या कर रहा है देखिएगा, आफ्टर चार्जिंग का बात कर रहा है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस दुनिया के तमाम क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो दिमाग में पैसा लेना कि ये एबनॉर्मल लॉस का जब भी बात करेगा तो वो हम लोग का ऐड का काम होगा। अब देख लेंगे प्रॉफिट फॉर 2015, अब प्रॉफिट फॉर 2015 में हम लोग कितना दिया, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस का बात हो रहा है, तो मैंने क्या बोला दुनिया के तमाम क्वेश्चन ले लेंगे 45,000 और 5,000, ठीक है भैया जी बिल्कुल, माइनस होगा जी बिल्कुल, माइनस होगा इक्वल टू 40,000 हो गया जी बिल्कुल हो गया। अब तो मेरा इसमें कोई काम नहीं बताया जा रहा, नहीं बताया जा रहा, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 5 और ये 13, कितना 1,35,000 टोटल 3 इयर्स टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स का बात हम लोग का हो रहा है ये बिल्कुल। अब हम लोग क्या निकालना है इस पे, तो हम लोग निकालना यहाँ पे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, तब हम लोग निकाल लेते हैं अब सबसे पहली बात हम लोग इसमें एक चीज और चेक करना चाहते हैं जो हम लोग को, हाँ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट का काम कर रहे हैं हमको निकालने के लिए,
प्रॉफिट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हुआ था 35,000। इसका फॉर्मूला मैंने अभी दिया था, टोटल प्रॉफिट बता नंबर ऑफ ईयर अब थ्री ईयर अब थ्री ईयर काट देंगे। अब ये काटने के बाद वो थ्री इयर्स पे जो हम लोग इसको जो काम किए हैं वो थ्री इयर्स पे क्यों किए हैं, तो अब यहाँ पे लास्ट थ्री इयर्स वेयर यहाँ पे बात बताया गया लास्ट थ्री इयर पे जो हम लोग का काम हो रहा है वो इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है, दोनों काम को समझना है। तो अब मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 45,000 ये काट देंगे। अब ये कटेगा 005 हाँ ठीक है। अब हम लोग का ये क्या निकल गया है, मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना निकल गया प्रॉफिट 45,000। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो गुडविल निकालना है। तो अब हम लोग को यहां पर लिख देंगे, यहां पे काम कर देंगे, आप क्या लिखेंगे तो गुडविल एट टू इयर्स परचेज ना, ये बिल्कुल सर परचेज होगा टू इयर्स परचेज, यहां पे ध्यान देंगे तो टू इयर्स परचेज का हम लोग का काम क्या होगा, तो यहां पे फॉर्मूला लिख देंगे अरे मेंटेबल प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ इयर्स, यहां पे ध्यान देंगे इयर्स क्या लिखे हैं फॉर्मूला ईयर पर चेंज ठीक है। तो मेरा कितना है ये, तो मेरा 45,000 निकला है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर पर चेंज, भैया कितना है तो मुझे तो दिखाया स्पष्ट दे रहा है कि टू इयर्स पे बोल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे टू इयर्स पे इसको देख लेंगे कैसे, देखिए ना यहाँ पे बेसिक ऑफ टू इयर्स परचेज ऑफ एवरेज फॉर द थ्री इयर्स, तो काम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90,090,000 हो गया। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ये हम लोग बनाए हैं ए टू इयर सोल्यूशन दिए। कल आप लोगों का काम रहा इसमें ऐसी अप्रोच करें, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है और क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है, ये बनाएंगे आपको, ये आप लोग का एचडब्ल्यू है। हम लोग कल जो बात करेंगे हम लोग का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक जो हम लोग जो बात करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग कल बात करेंगे। और देख लिया जाए इसमें कौन सा बुक आपको बनाना है, डॉक्टर एस के सिंह और टी एस अग्रवाल, टी एस अग्रवाल ये आपको एनसीईआरटी का है, जो आपको सीबीएसई ये बीएसईबी ये बीएसईबी बोर्ड के लिए है, ये आपको ये क्या चीज के लिए है तो सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ये बीएसईबी बोर्ड डॉक्टर एस के सिंह और टी एस अग्रवाल सीबीएसई वाले बनाएंगे। आप इसे बनाइए, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है वो आप वो वीडियो लेक्चर को देखें, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो ये हम आपको देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे भी मेरे व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे तो मैं आपको उसका ए टू जेड सोल्यूशन दे दूंगा। तो कल क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आप बनाते आए और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका सोल्यूशन दूंगा। आज का मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। जो भी फ्रेंड अभी तक जो भी 12th के स्टूडेंट हैं या 11th के हैं या ऑनर्स के हैं, जो भी अभी घर में बैठे हुए लॉकडाउन पीरियड में वो चाहते हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं नहीं मैं कुछ बेहतरीन करूं बेहतर करने की कोशिश करूं, तो हमारे चैनल MN कॉमर्स क्लास को सब्सक्राइब कर दें और सभी स्टूडेंट को कहना चाहते हैं और भी स्टूडेंट तक पहुंचाएं, इसको शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सके। तो चलिए आज के क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, धन्यवाद।